अमीर बाप के अमीर बच्चे अमीर बच्चों का अमीर बाप। आली और शैनो अपने पापा के साथ वीडियोस बनाते हैं और सोशल मीडिया पर इनकी बहुत ज्यादा धूम मची हुई है। YouTube पर 3 से 4 महीनों के अंदर अंदर 3.2 मिलियन सब्सक्राइबर्स कैसे हासिल कर लिए, कितनी अर्निंग होती है और ये सिर्फ जरिया आमदन है या फिर शौक? पहली सैलरी तकरीबन आई थी कोई 60,000। दो या तीन होंडा 125 ले लेता हूँ समझे एक महीने में। अब्दुल्ला भाई सबसे पहले ये बताइएगा कि YouTube से अर्निंग कितनी कर रहे हैं? अर्निंग YouTube से दो या तीन होंडा 125 ले लेता हूँ समझे एक महीने में। ले सकता हूँ। अच्छा, ले दो या तीन 125 ले सकता हूँ पर मंथ? ले सकते हैं अब, ले सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा माशाल्लाह। तो ये YouTube वाली साइट पर लेकर कौन आया था, कैसे आइडिया आया कि यार बच्चों के साथ वीडियोस बनाऊंगा और वायरल हो जाएंगे? असल में जैन भाई ऐसे था कि पहले मैं वीडियोस टिकटॉक पे अपलोड करता था, मैं यूट्यूब की तरफ बिल्कुल भी नहीं आया था। तो एक दिन मेरे भाई, छोटा भाई है शेरदिल, उसने मुझे कहा कि यार अब्दुल्ला आप ऐसे करो, वीडियो तो आप वैसे ही बनाते हो, आप ऐसा करो आप इसी वीडियो को ना यूट्यूब पे भी पोस्ट कर दो। बस मैंने यूट्यूब के ऊपर कोई 2 या 3 वीडियोज पोस्ट की थी तो एक वीडियो ऐसी हुई जिसपे हमारे तकरीबन कोई 28 मिलियन व्यूज आ गए। 28 मिलियन व्यूज बिल्कुल ऐसे। वो वीडियो ऐसी थी कि उसमें हमने दिखाया था कि शैनू को अपने पिल्लों से मोहब्बत है, बचपन में इसको अपने पिल्लों से बड़ी मोहब्बत थी। तो वो हमने कंटेंट बना के अपलोड किया तो उस पर 28 मिलियन व्यूज आए, तो वहां से फिर थोड़ा हौसला हुआ। हाईएस्ट व्यूज कितने आपके चैनल के? अब तक एक वीडियो है 250 मिलियन व्यूज है उस पर। 250 मिलियन 250 मिलियन व्यूज है जी बिल्कुल, मतलब 2.5 करोड़ के करीब तक जी बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, तो अभी YouTube पर कंटेंट क्या अपलोड कर रहे हैं? हमारा कंटेंट जो है ना फनी कंटेंट है। हाँ। उसमें ये बच्चों की शरारतें हो गई, कोई ये चीज उठा के मेरी ले जाते हैं, कोई छुपा देते हैं, मैं फिर उधर से जाके इनको पकड़ता हूँ, मतलब इसी तरीके का हमारा कंटेंट। कभी सोचा था कि बच्चों की वजह से रोजगार भी बन जाएगा? वैसे सोचा नहीं था, ये तो मैं ये समझता हूँ अपना नसीब ये खुद साथ लेके आए हैं, तो इनकी जो है ना रहमतों से बरकतों से जो है ना वो रिस्क में मजीद इजाफा हो गया। इसके अलावा क्या करते हैं? इसके अलावा मेरा मेडिसिन का बिजनेस है, मेरा डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप है। अच्छा, उसमें मेरी अलीपुर में, अलीपुर पूरी तहसील में जो है ना मुख्तलिफ कंपनीज की मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन है। अच्छा जी बिल्कुल। मेडिसिन वगैरह जी बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जी, फार्मा से रिलेटेड। अपने बिजनेस में इतना प्रॉफिट होता है जितना यहाँ से हो रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह अब ये है कि अब ये मुझे लगता है बीट कर जाएगा आने वाले 1-2 मंथ में ना इंशाल्लाह, ज्यादा इसको बीट कर जाएगा। अरे वाह वाह। हालांकि वहां मैं टाइम देता हूँ कोई 9 से 6 बजे तक और यहाँ तकरीबन मैं सिर्फ 1 घंटा वीडियोस बनाता हूं। एक वीडियो में कितना टाइम लग जाता है बच्चों के साथ? उसमें ऐसे जैन भाई ये इनके मूड पे डिपेंड करता है, अगर ये वीडियो बनाने पे आए तो एक ही उसमें शॉर्ट में जो है ना वीडियो हमारी कंप्लीट हो जाती है, अदरवाइज वरना जो है ना फिर अगर मूड खराब हो जाए तो बीच में ही मूड खराब हो गया, फिर मूड सेट करना पड़ता है, कोई टॉफी शॉफी कोई जैली शैली देनी पड़ती है बस फिर। अच्छा, तो ये बताइएगा बच्चों के साथ वीडियोज बनाना मुश्किल नहीं लगता? वैसे मैं समझता हूँ कि बड़ा टफ सा टास्क है यार। है तो टफ, लेकिन मैं समझता हूँ कि इससे बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता कि आप अपनी फैमिली को भी टाइम दे रहे हैं। हाँ। अपने बच्चों को भी टाइम दे रहे हैं। देखें और लोग हैं वो बाहर जाके वीडियोस बनाते हैं, दोस्तों के साथ बनाते हैं या कोई भी उनका अलग सा कोई कॉन्टेंट है, मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर कोई कॉन्टेंट नहीं है कि मैं अपने बच्चों को भी टाइम दे रहा हूँ, उनके साथ वीडियोज भी बना रहा हूँ और अर्निंग भी कर रहा हूँ। पाकिस्तान में सबसे कम उम्र बच्चे हैं ये जो आप यूट्यूब पर माशाल्लाह जिनकी वजह से आप भी फेमस हैं। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है, तो प्राउड फील होता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये 1.5 साल की है और ये 3 साल का है, ये बोल नहीं सकती और ये कुछ कुछ वर्ड्स बोलता है, लेकिन अगर आप इनके वीडियोस देखें तो आप कहेंगे भाई ये कोई चिप लगी हुई है इनके अंदर माशाल्लाह मेमोरी कार्ड फिट हुआ है कि भाई जो पहले रिकॉर्ड किया हुआ अब वो बाहर निकल रहा है। अच्छा ये बताइएगा अब्दुल्ला भाई कि अभी तक यूट्यूब से क्या क्या कुछ बना चुके हैं? अभी तक यूट्यूब से क्या क्या कुछ बना चुका हूँ, अभी मैंने रिसेंटली एक प्लॉट लिया है। ये जो इनकी मम्मा है ना वो हमारी कैमरामैन है। अच्छा। ये अभी अपनी मम्मा के पास जा रही है। अच्छा। तो कैमरामैन हमारी जो है ना वो इनकी मम्मा मेरी वाइफ है। सारा सारा कुछ वो करती है। हाँ, तो एडिटिंग मैं करता हूँ। हाँ। और वीडियो वो शूट करती है। वीडियोस वगैरह बनाते किस कैमरे से हैं? ये मोबाइल से हैं? किसी से? आईफोन से। आईफोन से? हाँ, 14 प्रो मैक्स है अभी तो मेरे पास। 14 प्रो, ये तो 11 आई थिंक। ये 11 है, ये भी है और वो भी है। ये इनके लिए है, गेम्स वगैरह खेलते रहते हैं उस पे मैं वीडियोस बना लेता हूँ इजीली। अमीर बाप के अमीर बच्चे अमीर बच्चों का अमीर बाप भाई पॉइंट की बात कर दिया, अमीर बच्चों का अमीर बाप, अमीर बच्चों का गरीब बाप ऐसे कह सकते हैं।
YouTube के अलावा कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स यूज कर रहे हैं? YouTube के अलावा मैं TikTok यूज करता हूँ, वहाँ पे तकरीबन है हमारे अभी 4-5 लाख सब्सक्राइबर हैं, वहाँ पे फॉलोअर्स हैं। इंस्टा मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है और फेसबुक भी अभी मैंने इंस्टा पे कितने हैं? इंस्टा अभी मैंने स्टार्ट किया तकरीबन हफ्ता हुआ है, तो इंस्टा पे मेरे ख्याल में तकरीबन है कोई 4-5 हज़ार सब्सक्राइबर, अभी उसको हफ्ता ही हुआ है। एक हफ्ते में 4-5 हज़ार सब्सक्राइबर, मेरे को 8 साल से इतने नहीं हुए अभी तक। यार गुड लक, बहुत अच्छी बात है। ये बताइएगा कि बच्चों के साथ जब वीडियोस वगैरह बना रहे होते हैं तो बच्चों की अम्मा भी अक्सर तंग आ जाती होंगी, क्या ये ड्रामेबाजी शुरू हुई है, मुझे हाथ में कैमरा पकड़ा के शुरू कर दिया हुआ, इस तरह ही सेटअप वेटअप चलता होगा? बच्चों की अम्मा तंग नहीं आती, मैं थोड़ा सा गुस्सा कर लेता हूँ बच्चों की अम्मा, उल्टा खुद मैं थोड़ा लेजी हूँ ना, वो मुझे कहती है। असल में हमारा ये है कि जैन भाई हम डेली की 2 वीडियोज बनाते हैं और डेली की 2 अपलोड करते हैं, हम ऐसा नहीं करते पूरे हफ्ते की बना के रख ली या पूरे महीने की बना के रख ली, नहीं, डेली 2 बनाते हैं, डेली 2 अपलोड करते हैं। हाँ बेगम जो है ना वो थोड़ा सा उसको डांट पड़ती है, क्योंकि आपको पता है कैमरामैन को तो ऑब्वियसली भाई कैमरामैनों के नसीब बेचारों के ऐसे होते हैं। ये बताएं कि मजीद फ्यूचर क्या देख रहे हैं सोशल मीडिया का? नहीं, फ्यूचर तो बेहतरीन है। वैसे मुझसे अगर कोई पूछता है ना कि अब्दुल्ला भाई कौन सा कंटेंट यूज करना चाहिए, कैसी वीडियोस बनानी चाहिए, मैं उन्हें ये मशवरा देता हूँ, भाई शादी करो और बच्चे पैदा करो। शादी करो और बच्चे पैदा करो, इससे बेहतरीन मेरी नजर में कोई कंटेंट नहीं है। मैंने शादी की है, बच्चे पैदा किया, वीडियोस बना रहा हूँ और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अर्निंग कर रहा हूँ। मतलब भाई फैमिली व्लॉगिंग लोग करते हैं, मतलब ये मेरी बेगम है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा जी हस्बैंड है, ये मेरा जी ताया अबू है, ससुर है, आप भी फैमिली व्लॉगिंग करते हैं, भाभी को लेकर आते हैं? मेरी वाइफ जो है ना वो थोड़ी सी शाये हैं, तो वो मैंने एक दो बार कोशिश की थी लेकिन वो नहीं हो सका। और बच्चों के साथ मैं व्लॉगिंग इसलिए स्टार्ट नहीं अभी कर रहा क्योंकि मेरे बच्चे अभी बोल नहीं सकते, तो माशाल्लाह जब ये बोलने लग जाएंगे फिर इंशाल्लाह बच्चों के साथ मैं स्टार्ट करूंगा, लेकिन फैमिली के साथ कोई ऐसा भी इरादा नहीं है। फैमिली के साथ भी इरादा नहीं? यार इसके लिए तो बड़ा दिमाग चाहिए होता है, SEO, उसके बाद कीवर्ड्स, उसके अलावा बड़ी बड़ी चीजें, डिस्क्रिप्शन, टाइटल, थंबनेल, उसके अलावा काफी चीजें इसमें दरकार होती हैं। ऐसे ही है, ये सारा कुछ कैसे सीखा हुआ है कहीं से? बस यूट्यूब से देख के, यूट्यूब में चीजें हमने सर्च की हैं, तो वहां से आप देख लें, हर चीज अवेलेबल है यूट्यूब पे। तो कुछ लोग ये कहते हैं अब्दुल्ला भाई कि ये सब लंबी लंबी गप्पे छोड़ते हैं यूट्यूबर्स, कोई अर्निंग शर्निंग नहीं होती, एडे वेले बैठे ने यूट्यूब वाले कि इन्होंने पैसे दे जाएं, तो उसके वाले से कुछ कैंडी? नहीं नहीं जैन भाई, शुरू में वैसे हम भी यही समझते थे। आप यकीन करें जब पहली सैलरी आई है ना, सैलरी समझ लें, तो पहली सैलरी तकरीबन आई थी कोई 60,000 60,000 पहली जो अर्निंग आई थी, तो हम खुद हैरान हुए थे कि भाई ये अभी तो स्टार्ट किया और यूट्यूब इतना दे रहा है। और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको बताया तो है 3 1-5 ले सकते हैं, इतनी अर्निंग हर महीने हो रही है।